Space Samant. थर्टी इंच बाय 18 इंच का ये फैब्रिक पीस और 30 इंच बाय 18 इंच का ये लाइनिंग का पीस हमें लेना है बैग के लिए। ये फैब्रिक बैग का मटेरियल है, ये बैग का मटेरियल जिस शॉप में मिलता है वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। सेवेंटीन इंच बाय 10 इंच का ये फैब्रिक पीस और एक लाइनिंग पीस। टेन बाय 10 के दो फैब्रिक पीस और चार लाइनिंग पीस लेने हैं। सेवन पॉइंट फाइव बाय 7 इंच के दो फैब्रिक पीस, सेवन पॉइंट फाइव बाय 14 इंच का एक लाइनिंग पीस, फोर्टीन इंच की एक जीप, टेन इंच के दो जीपर और सेवन पॉइंट फाइव इंच के तीन जीपर हमें लेने हैं। 110 इंच का एक बेल्ट, 55 इंच का एक बेल्ट और 9 इंच के दो बेल्ट हमें लेने हैं, दो हुक। एक एडजस्टर, 7 रनर और एक शोल्डर सपोर्टर। 10 बाय 10 का एक फैब्रिक पीस और एक लाइनिंग का पीस हमें लेना है और ऊपर से हमें 2 इंच पे मार्क करेंगे। और मार्किंग होने के बाद हमें वो मार्किंग पे हमें कट करना है। कट करके हमें एक पार्ट लेना है और उसके ऊपर 10 इंच की एक जिप अटैच करनी है और उसके साथ हमें लाइनिंग भी जोड़ना है। ये सिलाई होने के बाद हमें लाइनिंग को अंदर की तरफ लेना है और उसके ऊपर हमें प्रेस्टिच करना है। ये होने के बाद हमें कट किया हुआ ऊपर का जो पार्ट है वो लेना है और उसके जैसा ही हमें ये पार्ट जोड़ना है। ये ऊपर की साइड जॉइंट होने के बाद हमें रनर डालना है और चारों साइड से हमें सिलाई करनी है और दूसरा पार्ट भी हमें ऐसे ही बना के लेना है। ये चारों साइड से सिलाई होने के बाद हमें इसका सेंटर करना है और ऊपर से हमें आधा इंच मार्क करना है।
और ये 9 इंच का जो बेल्ट लिया था वो सेंटर में मार्क करके, सेंटर से सेंटर मिला के हमें उसको नीचे से जोड़ना चालू करना है। ऊपर आने के बाद हमें जो दो हुक लिए थे उसमें से एक लेना है और उसका जॉइंट नीचे की तरफ आएगा वैसा हमें बेल्ट के अंदर डालना है और जो एक्स्ट्रा बेल्ट है वो हमें अंदर की तरफ रखना है और उसके ऊपर सिलाई करनी है। ये बेल्ट जॉइंट होने के बाद ही हमें जो लाइनिंग का दूसरा पीस है वो हमें इसके ऊपर जोड़ना है। वैसे ही हमें दूसरा पार्ट बना के लेना है। ये एक पॉकेट बन जाएगा। अभी हमें 7.5x7 इंच का एक पीस लेना है और उसके ऊपर 7.5 की जो जिपली थी वो हमें उसके ऊपर लगानी है। और ऊपर हमें, ऊपर की तरफ हमें पाइपिंग करेंगे। ये पार्ट को हमें 7.5 इंच की जिप अटैच करनी है और उसके ऊपर की साइड में हमें पाइपिंग करनी है और पाइपिंग में दो फोल्ड करके अंदर की तरफ एक सिलाई मारनी है। ये होने के बाद हमें नीचे 1.25 इंच का फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई करनी है। वैसे ही हमें दूसरा पार्ट बनाना है। सेवन पॉइंट फाइव इंच बाय 14 इंच का ये फैब्रिक का पीस लिया था वो हमें लेना है और उसके ऊपर हमें 7.5 की जिप लगानी है। ये जिप लगा के उसके ऊपर प्रेस स्टिच किया। अभी हमें दूसरा पार्ट लेना है और जिप की दूसरी साइड में जोड़ना है। अभी हमें जिप को सेपरेट करके उसके ऊपर प्रेस्टिज करना है और प्रेस्टिज होने के बाद हमें रनर डालना है। एक बार रनर डाल के हमें निकालना है तो ये जिप लॉक हो जाएगी और हमें फिर से एक बार रनर डालना है। रनर डालने के बाद हमें ये उल्टा करना है और ऊपर से हमें 1/2 इंच जितना गैप छोड़ के दोनों साइड से सिलाई मारनी है। ये दोनों साइड से सिलाई मार के हो गई। अभी हमें जिप ओपन करना है और उल्टा करना है। ये पॉकेट कंप्लीट हो गया। 30 इंच बाय 18 इंच का ये फैब्रिक का पीस लेना है और उसके नीचे हमें जो लाइनिंग का पीस लिया था वो हमें अटैच करना है और उसका सेंटर मार्क करना है दोनों साइड से और सेंटर से हमें
3.5 इंच पे मार्क करना है दोनों साइड से, और हमें लाइन खींचनी है दोनों साइड से, और ऊपर से हमें 2 इंच पे मार्क करना है। वैसे हमें दोनों साइड से और ये भी दोनों साइड से हमें मार्किंग करके लेना है। ये जो हमने जिप का पॉकेट बनाया था वो हमें इसके ऊपर अटैच करना है। ऊपर से 2 इंच का जो मार्किंग है वहाँ तक हमें ये पॉकेट को रखना है, और साइड का मार्किंग के ऊपर दोनों साइड आनी चाहिए वैसे हमें रखना है, और चारों साइड से हमें सिलाई मार के लेने हैं। ये जैसे पॉकेट हमने जॉइन किया वैसे ही हमें दूसरा पॉकेट जॉइन करना है। चारों साइड से सिलाई मारनी है। अभी हमें 110 इंच का जो बेल्ट लिया था वो हमें लेना है, और उसके दोनों साइड हमें जॉइन करने हैं। ये बेल्ट जॉइंट होने के बाद हमें उसको उल्टा करना है, और उसके अपोजिट साइड में जो फोल्ड आएगा वो फोल्ड पे हमें मार्किंग करना है। अभी हमें 30 इंच बाय 18 इंच का ये पार्ट लेना है, और जो 3.5 इंच पे जो मार्क किया था सेंटर का, उसके ऊपर हमें एक साइड में सिलाई किया हुआ साइड रखना है। और उसके अपोजिट साइड में हमने जो मार्किंग किया था वो साइड रखना है। और ऊपर जो 2 इंच का मार्क किया था वहाँ तक हमें ये सिलाई करनी है। वैसे ही हमें चारों साइड से करना है, 2 इंच का मार्क तक हमें सिलाई मारनी है। ये मार्किंग के ऊपर हमने जैसे बेल्ट लगाया वैसे ही हमें दूसरे साइड में बेल्ट जॉइन करना है। ऊपर से 2 इंच के मार्किंग तक हमें जोड़ना है। ये पॉकेट की सिलाई अंदर जाएगी। ये बेल्ट जोड़ के कंप्लीट हो गया। ऊपर से हमें 2 इंच पे सिलाई मारी, और सेंटर से हमें दोनों साइड में सिलाई मारना है, और ऊपर से भी। अभी हमें ये पार्ट को उल्टा करना है, और जो लाइनिंग का पॉकेट बनाया था वो हमें बाहर की पॉकेट के नीचे की साइड की जो सिलाई है वो सिलाई के ऊपर इसकी सिलाई आएगी। वैसे हमें ये पॉकेट रखना है, और उसको तीनों साइड से सिलाई करनी है। ये पॉकेट तीनों साइड से जॉइन करके हो गया। एक पॉकेट यहाँ पर, एक जिप का पॉकेट,
ये सिलाई हमें बेल्ट के ऊपर आनी चाहिए, वैसे हमें ये पॉकेट रख के सिलाई मारनी है। ये 30x18 इंच का ये पार्ट लेना है और उसके साइड में हमें 10-10 इंच पे मार्क करना है। और जो सेंटर का 10 इंच वाला मार्किंग है उसके ऊपर हमें ये 10x10 का जो पॉकेट साइड का बनाया था वो हमें बीच में रखना है और उसके ऊपर सिलाई करनी है। एक साइड जॉइंट होने के बाद हमें दूसरी साइड लेनी है, दोनों की साइड जॉइन करके हमें ऊपर से सिलाई मार के नीचे तक लेके जाना है। वैसे ही हमें दूसरा पार्ट जोड़ना, ये पार्ट हमें दोनों साइड से जॉइन करके ले लिया, वैसा ही हमें दूसरे साइड से भी जॉइन करके लेना है। अभी ये जॉइंट होने के बाद हमें उसके ऊपर पाइपिंग करनी है। सिलाई को बीच में रख के हमें ये पाइपिंग करेंगे। ये दोनों साइड से पाइपिंग कंप्लीट हो गई। अभी हमें ये पार्ट लेना है और जो जिप लगाया अंदर से जो पॉकेट लगाया था ये पार्ट बैक साइड में आएगा, तो हमें लेफ्ट साइड से जिप लगाने के लिए हमें चालू करना है। जिप की एक साइड हमें लेनी है और सीधी साइड फैब्रिक के सीधे साइड में रखनी है और उसके ऊपर हमें पाइपिंग रखनी है। ये जिप हमें तीन साइड में लगानी है, बैक साइड का पोर्शन ऐसा ही रखना है। ये जिप लास्ट में आने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा जिप है वो हमें ऐसे ही रखना है। अभी हम बैग को उल्टा करेंगे और जो पाइपिंग लगाई थी वो हमें अंदर की तरफ लेना है और उसके ऊपर हमें प्रेस्टिच करना है, तो जिप अपने आप ऊपर आ जाएगी। वैसे हमें पूरे राउंड की जिप में करके लेना है और नीचे की साइड में और एक सिलाई मारनी है। ये एक बार की हमें दाब सिलाई मार के हो गई, अभी हमें अंदर और एक सिलाई मारनी है पूरे राउंड में नीचे की तरफ। ये पाइपिंग अंदर की तरफ प्रेस्टिज होके कंप्लीट हो गई। अभी हमें 17x10 इंच का जो पार्ट लिया था फैब्रिक का वो लेना है और जिप की जो दूसरी साइड थी वो हमें लेनी है और उसकी सीधी साइड फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर एक साइड छोड़नी है और बाकी तीन साइड से हमें जिप लगाएंगे। उसके ऊपर हमें ये लाइनिंग का पीस रखना है और उसके ऊपर सिलाई करनी है। ये एक साइड से होने के बाद हमें हम जब कॉर्नर पे आते हैं तो हमें फैब्रिक को पूरा टर्न करना है और उसके साथ में हमें जिप को भी कंप्लीट मोड़ना है और उसके ऊपर हमें ये फैब्रिक रखना है और हमें आगे सिलाई करते जाना है।
ये हमारी तीनों साइड से जिप के साथ लाइनिंग लगा के कंप्लीट हो गया। अभी हमें जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है वो हमें कट करना है। कट करके हमें फैब्रिक को टर्न करना है। और हमें जिप के ऊपर प्रेस्टिज करना है। ये तीनों साइड से हमने प्रेस्टिज करके लिया। ये हमारा पार्ट अंदर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अभी हमें ये मेन पार्ट लेना है और जो पॉकेट बनाया हुआ पार्ट था अंदर की साइड से वो अपने साइड में हमें रखना है। जिस जो साइड में हमने जिप नहीं लगाई थी वो साइड हमें अपने साइड रखना है और सामने का जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर से कॉर्नर हमें मिलाना है। और हमें एक साइड से मेजरमेंट करके हमें एक पिन लगा के लेनी है। ये हमें पिन से जोड़ देना है तो जीप साइड में नहीं जाएगी। अभी हमें रनर डालना है। जो एक्स्ट्रा जीप छोड़ी थी उसमें हमें पहले रनर डाल के लेना है और बाद में जिप के दूसरे साइड में रनर डालना है। और रनर को हमें एक साइड से दूसरे साइड तक लेके जाना है और यहाँ से हमें देखना है कि कॉर्नर बराबर हुए कि नहीं और दूसरे साइड में हमें दूसरा रनर डालना है। ये दोनों रनर डालने के बाद हमें देखना है कि दोनों कॉर्नर सही है कि नहीं। अगर वो सही है तो हमें ये जो एक्स्ट्रा जीप है वो हमें कट करेंगे, कट करनी है और जो जीप के साइड में हमें सिलाई करनी है। ये दोनों जीप की कॉर्नर्स है वो हमें लॉक करने हैं। लॉक होने के बाद हमें बैक को फिर से उल्टा करना है। बैक को उल्टा करने के बाद हमें ये दोनों साइड जोड़ने हैं। जोड़ने से पहले हमें पिन से अटैच करना है। और पिन से अटैच करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई मारेंगे। ये जॉइंट होने के बाद हमें ये जो लाइनिंग का पीस था उसका ही हमें 2 इंच का पाइपिंग लेना है और वो उसके ऊपर हमें लगा के अंदर के साइड में मोड़ना है। ये पट्टी जोड़ने के बाद हमें उल्टी करनी है और पट्टी को हमें 2 बार फोल्ड करना है। एक बार फोल्ड करके फिर से फोल्ड करके हमें उसके ऊपर सिलाई करनी है।
ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई। ये पाइपिंग होने के बाद हमें पाइपिंग को अंदर की तरफ रखना है और उसको उसके ऊपर हमें नीचे से सिलाई करनी है। ये पाइपिंग के ऊपर हमने सिलाई कर दी। ये बैग हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हमें 55 इंच का जो बेल्ट लिया था वो लेना है और एक साइड से हुक में डालना है और 1/2 इंच जितना फोल्ड करके हमें उसके ऊपर सिलाई करनी है। और हमें दूसरे साइड में जो शोल्डर सपोर्टर लिया था वो हमें बेल्ट के अंदर एक छोड़ के एक ऐसे बेल्ट अंदर डाल के लेना है। ये होने के बाद हमें एडजस्टर लेना है और वो उसके अंदर डालना है। अभी हमें ये एडजस्टर लेके उसके अंदर बेल्ट की दूसरी साइड डालनी है और बाद में हमें हुक के अंदर डाल के लेना है। हुक में डालने के बाद हमें फिर से एक बार एडजस्टर में डालना है। उसकी जो नीचे की साइड है अंदर से डाल के हमें दूसरे साइड से हमें निकालना है। और ये साइड हमें 1/2 इंच फोल्ड करके जो साइड से हमने डाला था उसके ऊपर ही हमें वो सिलाई करनी है। वो नीचे का पार्ट हमें अलग रखना है, उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये दोनों साइड से सिलाई मार के कंप्लीट हो गई। अभी हमारा बैग तैयार हो गया, ट्रैवल बैग। ऊपर से हमें दो पॉकेट है फ्रंट में और बैक में। और दोनों साइड से दो पॉकेट हैं।
आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हमारे नए नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।